मैंने लिए यहाँ आधा पाव हरी मिर्चे, आधा पाव लहसुन, 3 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 घटी हरा धनिया, ये तकरीबन 1 कप के बराबर है। और मैंने इसमें नरम डंडियाँ रहने दी हैं, सिर्फ पत्तियाँ नहीं ली हैं डंडियों के साथ। इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है ताकि ये आसानी से पीस सके। अब हम तमाम अज्जा को ग्राइंडर जग में डाल देंगे और फिर थोड़ा सा पानी शामिल करके इसे पल्स पे चलाएंगे, क्योंकि ग्राइंडर मशीन के 2-3 मोड होते हैं, हमें इस पे जूसर मोड पे नहीं चलाना है, नहीं तो धनिया का मसाला बहुत बारीक हो जाएगा। हमें इसको रोक रोक के पल्स पे चलाना है ताकि वो थोड़ा सा चंकी रहे और मसाले में थोड़ी सी खुशबू आए। देखिए मसाला अच्छी तरह से तैयार हो गया है और अब हम इसे स्टोर करेंगे। यहाँ पर आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि मैंने इसको दानेदार रखा है, बिल्कुल चटनी की तरह से नहीं पिसा है। देखिए यहाँ पर इसका टेक्सचर किस तरह का है, देखिए दानेदार रखा है, बिल्कुल बिल्कुल बारीक नहीं किया है। हम इसे एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे ताकि ये लंबे अरसे तक फ्रिज में फ्रेश रह सके। अगर आप ज़्यादा बनाते हैं तो आप इसको इस तरह करें कि आधा जो है वो आप फ्रीज़र में रख दें, किसी अच्छी शीशे की बोतल में या आइस क्यूब ट्रे में भी रख सकते हैं और एक एक क्यूब करके इस्तेमाल करें। या अगर आप थोड़ा बनाते हैं तो ये नीचे तकरीबन फ्रिज के अंदर 15 दिन तक आराम से रह सकता है। इंजॉय।